हेलो वन मैनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हमारे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी पिक्चर भूषण कुमार जी ने बनाई हुई पिक्चर है। नाम है फिल्म का आदि पुरुष द रिबेल स्टार। इसमें है प्रभास, डार्लिंग प्रभास बोलते हैं हम। आज फाइनली रिलीज हो गई है। हमारे साथ में हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। सुबह का शो, सबसे पहला शो सुबह का आपने जाके देखा है आदि पुरुष का। बहुत सारे आस्थाएं लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की इस कहानी से जुड़ी हुई है। रामायण पे बनाई ये कहानी, कैसे लगी आपको आदि पुरुष? मैं तो हमेशा मैटनी शो गिटी गैलेक्सी में देखता हूँ 12:30 का। ये पहले न्यूटॉकिस हुआ करती थी, अब PVR ग्लोबस हो गई जी। तो सुबह का शो 8:30 का था और इस पिक्चर का नाम बहुत सुना था, 500 करोड़ की पिक्चर है, 3D में रामायण देखने हमको मिलेगी। हमने उस जमाने में TV में देखी थी रामायण जी। चलो रामायण तो रामायण ही है, उसी कहानी को हम देखने को 3D में। क्या एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छा मिला। ओहो, क्या लगा, ऐसा लग रहा है, अरे वाह, बहुत मज़ा आया। जय श्री राम के जो नारे लग रहे थे, विजिल बज रहा था, मतलब वही बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मज़ा आया। प्रभास की एंट्री जी, और उससे ज़्यादा जबरदस्त एंट्री लगी सैफ अली खान की। ओह माय गॉड, आवाज़ में क्या एंट्री थी रावण रोल में। ये अलग तरीके का रावण बताया, मतलब अभी की सबसे बराबर है। अच्छा। इस जमाने की बात अलग थी और इस जमाने की बात अलग है, कंपेयर नहीं करना चाहिए। okay. कहानी वही है। ओके okay. लेकिन 3D में बहुत मज़ा आता है देखने में। ओके okay. इसमें एक खूबी बहुत है कि जितने भी जानवर है वो भी बातें करते हैं ना, जानवर के इंसान के रूप में, थोड़े इंसान थोड़े जानवर, इतना अच्छा उन्होंने गेटअप लिया है लोगों ने। मतलब कहते हैं कि 500 करोड़ की पिक्चर, लेकिन मेहनत इसमें लग रही है। अच्छा, दिखाई दे रही है पर्दे पर कि क्या मेहनत की है लोगों ने, क्या VFX किया है, क्या शूट किया है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। सेकंड ट्रेलर का रिव्यू के बाद में अभी हम फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं जी, जी। पूरा कॉन्ट्रास्ट रिव्यू आ रहा है विजय जी, अलग है, अलग एकदम। बड़े ये बड़े पर्दे की फिल्म है। यस, अब बड़े पर्दे में देखोगे बहुत मजा आएगा आपको, इतना अच्छा लगता है। हाँ, ये बोल सकते पिक्चर थोड़ी स्लो जा रही है कहीं सीन बहुत लंबे लिए, तो वो थोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन रामायण को तो चेंज नहीं कर सकते ना, जो है वो है। करेक्ट, हनुमान जी है। हाँ। जो हनुमान जी के जो रोल किया बहुत ही जबरदस्त, देवदत्त नागे। हाँ, क्या बॉडी और क्या, मतलब तो वही उस तरह से लंका में आग लगाना, किस तरह से आग लगाते वो भी एक दिखाया। सैफ अली खान जो बड़े बड़े सांपों से मालिश करते, क्या खतरनाक दिख रहे पर्दे पर, सब देखने लायक। ओके, 3D एक्सपीरियंस कैसा था? बाण आ रहे थे, बहुत जबरदस्त लग रहा था, ऐसा कुछ लग रहा था बोलता। तो एक चीज हमको भी नहीं पता, जब राम जी प्रभास जो तीर समंदर को मारने की कोशिश करते, समंदर में लहरें उड़ती, फिर बोलती कि मैं देख समंदर हूँ, मुझे भी, मतलब कुछ एक तरह के डायलॉग है। तो बोलते यार तुझे भी कुछ नहीं होगा, मतलब उस तरह एक एक लोगों को वरदान है। ओके, कि लोग समंदर को पूछते हैं, सूरज को पूछते हैं, उस तरह के इस फिल्म में पूरे डिटेल्स में बताया, हर एक वरदान है उसमें। रावण को भी वरदान दिया जाए, तुझे कोई मारेगा नहीं, ना धरती पर ना आसमान में, उस तरह का है। 10 सर वाला रावण, और बहुत अच्छा जो सर जो बताया ना, 10 सर, और 10 सर बातें करते हैं। अच्छा, वो बहुत अच्छा बताया। ओके ओके, जब सैफ अली जैसे करते हैं, जब 10 सर आते हैं ना तो बातें करते हैं, अरे वो सीता मैया है, तेरे में घमंड ज़्यादा है, हर एक सिर बात करते ना, बहुत अच्छा लगता है। ओके, डायलॉग्स विजय जी कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि रावण को यंग जनरेशन के हिसाब से दिखा, तो डायलॉग्स भी वैसे ही थे यंग जनरेशन के हिसाब से? नहीं, डायलॉग अपने हिसाब से ही थे। अच्छा, मगर अलग तरीके से बोलेगा, अच्छा लगता है देखने। मनोज मुंतशिर ने लिखे जी 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 जी, डायलॉग भी अच्छा है, मतलब शूट मेकिंग बहुत जबरदस्त लगे मुझे। ओके, मतलब मैग्नम ओपस पिक्चर बन गई है, आदि पुरुष। आदि पुरुष, यस। पर क्या अभी जय श्री राम बसते रहते हैं, अभी हर एक लोगों को देखना चाहिए। ओके, एक फिल्म है ये तो जी, ऐसा ना कि हिंदू की पिक्चर है, ऐसी कोई बात नहीं। करेक्ट, ये कहानी तो हर घर में बसती है, हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या पंजाबी हो। जब रामायण हमने हर घर में देखे, तो ये क्यों नहीं देख सकते बड़े पर्दे पर? बड़े पर्दे पर देखा और मजा आएगा आपको। यस यस यस, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने बनाई है। ओके, और कृति सनन पे आने वाला था मैं, विजय जी कैसी लग रही है एज सीता मैया? जम गई है, क्यों क्यों जम गई, क्योंकि वो लंबी है और प्रभास भी लंबे हैं। ओके, दोनों की हाइट मैच हो गई, तो वो रोल में जम गई, मतलब कास्टिंग परफेक्ट हो गई है, बड़ी मासूम सी। ओके ओके, बोलते हैं राम जी मुझे लेने आएगी, बोलते हैं तब देखना क्या इमोशन डिलीवर किए कृति ने, क्योंकि प्रभास तो है ही मल्टी टैलेंटेड है, कृति ने कर पाई इमोशन डिलीवर। उसने भी किया, कहीं के सीन पे ऐसा लग रहा है कि उदास बेटी है। अच्छा, तो कहीं के लग रहा है। ओके
के सैफ भी पावरफुल है। अब मैं आता हूँ लक्ष्मण के किरदार पे, सनी सिंह, उनका भी काम कैसा है? काम कितना स्क्रीन टाइम दिया है सनी को? दिया है उनको भी, जब भी घर से बाहर जाते तो कुछ मतलब तीर लगा, मतलब वो होता ना कि सीधा मैं को बोलते इसके बाहर तो जाना नहीं, मैं देख कर आता हूँ, फिर भी वो बाहर जाती है, जाता ना सफेद भिक्षा दे, लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना, चली जाती सब रावण उसको लेके जाता है। ओके, और ये जो अजीब सा जानवर सैफ अली खान बैठ कर आता है, बड़ा खतरनाक होता है वो। हाँ, जो पहले टीजर में बताया था लोगों ने बहुत ट्रोल किया था, लेकिन यहाँ पे कैसा लग रहा था पर्दे पे पिक्चर में? बड़ा खतरनाक लग रहा है। अच्छा, उस जमाने तो गाड़ी घोड़े थे नहीं थे ना, मतलब यही सब इस्तेमाल करते थे। करेक्ट, तो इस फिल्म में ये सब बताया। ओके, अब मैं आता हूँ म्यूजिक पे। अजय अतुल का म्यूजिक है, काफी सारे गाने रिलीज हुए, दो तीन गाने, मतलब जो सबसे पहला गाना जो कि मैक्सिमम लोगों ने, मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों ने देखा, जय श्री राम, कैसा लगा वो गाना और वो कब आता है पिक्चर में? वो तो स्टार्ट से ऐसे बसते रहते हैं। ओके, बीजीएम में बसते रहते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा म्यूजिक भी बहुत अच्छा दिया है। ओके, कहीं कहीं जो तीर बाण बढ़ता तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, पता है पूरी पिक्चर थिएटर की है और थिएटर में आपको मजा आएगा। ओके, अब छोटे पर्दे पर देखोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ओके, थिएटर की पिक्चर है, थिएटर में ही मजा आएगा, 3D का एक्सपीरियंस एक अलग होगा। दुख की बात यह है कि IMAX स्क्रीन नहीं मिले, 4DX स्क्रीन नहीं मिले एक हॉलीवुड फिल्म के आने की वजह से, लेकिन हम चाहेंगे कि इस फिल्म को भी IMAX स्क्रीन मिले तो एक और अलग एक्सपीरियंस हम जैसे लोगों को मिल पाएगा उस बड़े पर्दे पे। विजय जी, थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये मैग्नम ओपस पिक्चर है और हमारे जैसे आम आदमी ने कहा है कि दुनिया के हर इंसान ने ये फिल्म जाके देखनी चाहिए और एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एक यंग जनरेशन का फील दिया है इस फिल्म में और हर एक को पसंद आएगी, बच्चों को पसंद आएगी, सभी को पसंद आएगी, सभी को। हाँ, उस तरह से उन्होंने बनाया कि हर एक इंसान को पसंद आएगी कहानी, जो उम्र वाले हैं उनको पसंद है कहानी तो वही है। करेक्ट, फिर अलग फील है, 3D का फील है, कुछ मतलब बच्चों को भी पसंद आएगा, अरे जानवर ऐसे कर रहा है, छोटे बंदर भाग दे, ये वो, तो हर एक को मजा आएगा ये। ओके, ड्यूरेशन कैसा लगा? ड्यूरेशन कम किया है मेरे ख्याल से, 3 घंटे के बोल के 2.5 घंटे बताइए। अच्छा, तो मेरे ख्याल से कम किया है। अच्छा हुआ कि कम किया। ओके, हिसाब से बराबर है, इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड जो है सेकंड हाफ अच्छा किया, परफेक्ट चलती है। चलिए, 5 में से फाइनल सवाल, आदि पुरुष को कितने मिलेंगे? हर भारतीय की कहानी, देखो ये कहानी एक रामायण के कोई ऊपर नीचे नहीं, ना ग्लैमर ना ये वो, अगर आप बोले इसमें ये नहीं, प्योर कहानी है जी, फिर भी मैं उसको 3.5 दूंगा। 3.5 का वर्डिक्ट दिया है हमारे आम आदमी क्रिटिक विजय जी ने। विजय जी, हर बार मैं बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा, आप एक आम आदमी की आवाज़ हो, आपके वर्डिक्ट के बाद ही इस बॉक्स ऑफिस पे लाइन लगती है। आप सभी को बोलेंगे कि जाके जरूर देखिए आदि पुरुष, और जाते जाते हम दोनों साथ में बोलना चाहेंगे जय श्री राम।